वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो कितने हो गए टेन और एट एटीन ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइंस डू आई नीड टू गिव थर्टी फाइव रुपीज तो थर्टी फाइव रुपीज में वो कह रही है कि मैं कितने नोट्स और कितने कॉइंस दूँ यू गिव मी थ्री टेन रुपी नोट्स एंड फाइव कॉइंस ऑफ वन रुपी देखो जैसे अब एटीन में दिया था ना तो हमने क्या किया था टेन और एट अलग अलग कर दिया था तो टेन का एक नोट चाहिए था वन नोट चाहिए था और एट के न, वन के एट काइंस चाहिए थे ऐसे थर्टी फाइव में कितने चाहिए होंगे टेन 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 तो कितना हो गया थर्टी और फाइव काइंस चाहिए होंगे ठीक है ओके अंकल इफ़ कहती है वो हे जस्ट टेल मी हाउ मेनी पेंसिल डू यू वॉन्ट तो कह रहे हैं आप तुम बताओ कि तुम्हें कितनी पेंसिल चाहिए तो कहती है नॉन थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग माई विथ माई होमवर्क तो कह रही है मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू मुझे नहीं चाहिए लेकिन मेरी होमवर्क में हेल्प करने के लिए थैंक यू अब देखो यहाँ है कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प ड्रॉ द टेन रुपीज नोट्स एंड वन रुपी कॉइंस यू विल गिव फॉर दिस थिंग अब यहाँ पे कुछ थिंग्स दी गई हैं आपको कॉइन्स एंड नोट्स ड्रॉ करने हैं ठीक है विदाउट अंकल की हेल्प के, के खुद से करनी है ठीक है जैसे ये है यहाँ पर थिंग्स दी गई हैं बुक्स दी गई हैं ठीक है थीके? तो कितने की हैं ट्वेंटी यानी कि इसमें कॉइन्स कुछ भी नहीं है सीधे नोट हैं तो ट्वेंटी यानी कि कितने के नोट चाहिए होंगे हमें टेन टेन के टू नोट चाहिए होंगे ठीक है आप इस तरीके से यहाँ पे टू नोट्स बनाएंगे टेन टेन के अब देखो नेक्स्ट है बोतल है कितने की है थर्टी टू की है थर्टी टू यानी कि थर्टी प्लस टू यानी कि थर्टी थ्री नोट हमें क्या चाहिए टैन, टैन के चाहिए थ्री नोट आप टेन के बनाएंगे ठीक है इस तरीके से आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे उसे और टू कॉइंस चाहिए होंगे वन वन रुपी के ठीक है इसके अंदर आप वन वन लिख देंगे अब नेक्स्ट है ये वो है क्या कहते हैं कलर बॉक्स या पेंसिल बॉक्स जो भी कह सकते हैं आप तो क्या है फिफ्टी फाइव यानी कि फिफ्टी फाइव यानी कि फिफ्टी प्लस फाइव फिफ्टी में कितने नोट्स होंगे टेन टेन के वन नोट में टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी यानी कि फाइव नोट हमें क्या चाहिए टेन के तो आप फाइव नोट टेन के बनाएंगे ठीक है टेन टेन के फाइव नोट आपके बनेंगे इस तरीके से अच्छे से बनाएंगे आप लोग और फाइव हमें क्या चाहिए कॉइंस चाहिए वन ठीक है इस तरीके से आई होप आप लोगों को समझ में आना होगा फिर ऐसे इसको काउंट करना है आपने देखो हाउ मे मच मनी डू दिस नोट्स एंड कॉइंस मेक कितना बन रहा है ये दोनों को मिला के तो वन टू थ्री तो कितना बना थ्री नोट टेन के हैं तो वन नोट यानी कि वन नोट टेन का होता है तो टेन रुपीज़ और थ्री नोट होंगे तो कितने होंगे थर्टी रुपीज इसी तरीके से ऐसे काउंट करना है पहले टेन टेन को काउंट करते थे तो टेन और टेन ट्वेंटी फिर क्या है वन टू थ्री तो ट्वेंटी थ्री क्योंकि टू नोट्स टेन के थे और वन वन कॉइन थ्री का था अब ऐसे इनको काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो कितने कॉइन्स हैं टेन ऐसे इनको काउंट करेंगे टेन और टेन ये हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तो कितने ये टोटल ट्वेंटी सेवन इस तरीके से आप लोग इनको काउंट करेंगे ठीक है नेक्स्ट है हमारा टेन टेन के नोट गिनते पहले वन टू थ्री फोर यानी कि फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर फोर्टी फाइव तो कितने आ जाएंगे फोर्टी फाइव हमेशा ये ध्यान देना है टेन रुपीज कितने का मतलब मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था टेन कैसे बनता है जब टेन थिंग्स क्या हम मान सकते हैं पेंसिल ले लिया हमने टेन बंडल हो गए तो वो कितने का हो गया पूरा एक टेन्स का बन गया ठीक है ऐसे ये नोट कितने का हो गया इसमें के टेन कॉइन्स हो जाएंगे तो ठीक है तो क्या हो गया एक जो नोट उसके बदले हम नोट ले, ले लेते हैं तो क्या हो जाता है वो एक टेन का पूरा नोट हो जाता है और कॉइन्स अलग अलग होते हैं ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट चलते हैं प्रैक्टिस टाइम आई विल से नंबर गेस द ब्रेकअप अब वो कह रहे हैं कि मैं नंबर करूँगा तो उसे ब्रेकअप करना ओके यू से इट आई विल डू इट तो कहता है मैं उसको करके दिखाता हूँ तो क्या बताते हैं सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर को हम किस तरीके से कह सकते हैं जैसे इसने बोला सिक्सटी फोर तो सिक्सटी को सिक्सटी प्लस फोर तो भी क्या हो गया वो सिक्सटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को कैसे लिखेंगे ट्वेंटी प्लस फाइव अब ये कह रहा है वट अबाउट ट्वेल्व हाउ विल यू डू दैट नंबर नेम टेल एज द ब्रेकअप कह रहे हैं जब तुमने वो दिया था ट्वेंटी तो क्या क्या था नंबर का नेम बोला था तो मैंने उसको ब्रेकअप कर दिया उसका बट हम ट्वेल्व इज डिट सो आर इलेवन एंड नाइनटीन तो सिक्सटी फोर बोला था ना एकदम से आ रहा है ना सिक्सटी फोर यानी कि सिक्सटी प्लस फोर ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फाइव लेकिन यहाँ क्या आ गया ट्वेल्व आ गया ऐसे ही इलेवन एंड ठीक है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं ट्वेल्व यानी कि हमें दिमाग में देखना है कि कैसे लिखा जाता है ट्वेल्व वन और टू लिखा जाता है ना वन यानी कि वो पूरा टेन है एक ठीक है आगे वाला जो वन है वो टेन है तो टेन प्लस टू ठीक है ऐसे नाइनटीन uh, को कैसे कर सकते हैं टेन प्लस नाइन इलेवन को टेन प्लस वन ठीक है ऐसे ही आपका प्रैक्टिस टाइम है फिर नाउ यू राइट दिस एंड ऑल्सो सेव ठीक okay. है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ये कैसे आया क्योंकि सेवन तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे क्या था तो ट्वेंटी प्लस सेवन ट्वेंटी सेवन थर्टी वन आया तो यहाँ पे वंस में क्या आएगा वन आएगा थर्टी प्लस वन फिफ्टी फोर कैसे आया होगा तो वंस हमेशा राइट साइड को होता है फिर आए को इधर के लेफ्ट साइड को बढ़ते रहते हैं ठीक है तो फिफ्टी आ जाएगी यहाँ पे ऐसे नाइन्टी प्लस नाइन नाइन्टी नाइन सिक्सटी थ्री सिक्सटी प्लस थ्री थर्टी सिक्स थर्टी प्लस सिक्स एटी एट एट्टी प्लस टू एट्टी टू ऐसे आ जाएगा यू ट्राई राइटिंग द ब्रेकअप फॉर दिस अब आप लोगों को ये ट्राई करना है ठीक है ये वाला ट्वेल्व तो टेन प्लस टू नाइनटीन टेन प्लस नाइन इलेवन सॉरी टेन प्लस वन और टेन प्लस सेवन कितना हो जाएगा सेवनटीन इस तरीके से ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आएगा अभी बैंगल थ्रो है अब इसमें क्या है ये दोनों जब गेम खेलते हैं तो क्या होता है जो रेड वाले हैं वो क्या है टेन पॉइंट्स के बराबर है और जो ग्रीन वाला है वो वन पॉइंट के यानी कि आप ऐसे, ऐसे मान सकते हैं कि जो रेड वाला है वो क्या है हमारा टेंस का एक नोट है और जो ग्रीन वाले डॉट्स हैं वो क्या है हमारा कॉइंस हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके से ये लोग बनाते हैं द डॉट्स इन साइड द बैंगल आर डॉट्स तो ये बैंगल डाल रहे हैं इसमें ठीक है गेम खेलने जितने बैंगल के अंदर जितने डॉट्स आगे उतने उसके पॉइंट्स हो गए जितने वो होंगे ठीक है तो पॉइंट्स कितने हुए काउंट करते हैं ये जैसे बैंगल है ना इसके अंदर कितने पॉइंट्स आए थे टेन 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 ये तो टेन के हो गए फोर्टी हो गए और ग्रीन वाले वन वन है ना वन टू थ्री फोर तो क्या हो गए फोर्टी इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा फोर्टी फोर ठीक है इस तरीके से इस तरीके से इन्होंने गेम में अपने वो बना रखे हैं ऐसे आप लोगों को खेलने हैं ठीक है तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए आप लोग नेक्स्ट है आपका ये गेम आपको वो भी दे रखा है लेकिन आपको बैंगल से खेलना है ये गेम ठीक है जो रेड वाले मैंने बताए हैं आपको वो टेंस पॉइंट्स के बराबर है और ग्रीन वाले उसके बराबर है वंस के बराबर जो कॉइन्स हो गए हैं आपके ठीक है द फ्रूट मैन एंड द रेट्स अब जो बांसुरीट वन गोल्ड कॉइन जो राजा होता है वो बोलता है कि जो भी रेड्स को पकड़ के बास्केट में लाएगा उसको मैं क्या दूंगा एक एक रेड के बदले उसको एक वन गोल्ड कॉइन दूंगा ठीक है आई विल डू इट तो एक वो फ्लूट मैन आता है वो कहते हैं मैं कर सकता हूँ वट है तो इस तरीके से आप वो देखो अपनी बांसुरी पीछे से बैठ घुसते जा रहे हैं ठीक है इस तरीके से वो लेके आता है सबको पकड़ के लाता है माई रिवॉर्ड सर आई हैं मेरा इनाम और मैंने एटी रेड्स कलेक्ट किए हैं बट हाउ डिड यू काउंट सो मेनी रेड्स तो वो कह रहा है कि मैं इनको कैसे काउंट करू सिंपल आई यूज दिस कार्ड आई काउंटेड वन रेड एंड कीप वन कार्ड इन पॉकेट तो मैंने एक रेड पकड़ा तो मैंने एक वन कॉइन का वन का कार्ड अपने पॉकेट में डाल दिया फॉर वन कार्ड वन फॉर वन रेड एक के लिए एक का और टू के लिए टू टू रेड्स के लिए टू कार्ड ऐसे ही फॉर हाउ मेनी रेड्स तो ये कितने काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ पे लिख देंगे सिक्स ऐसे आगे बोल रहा है व्हेन आई हैड टेन कार्ड्स आई चेंज इट इन कार्ड टेन इज माय पॉकेट तो कह रहा है, जब मेरे पास वन वन के टेन कार्ड्स हो गए तो मैंने क्या कर दिया उसको चेंज कर लिया किससे? से Tens के एक कार्ड से ठीक है तो इनके बदले उन्होंने क्या किया इस ये ले लिया ठीक है ये देखो जैसे उसके पास टेन रेड्स हुई उसके बाद ऐसे वाले टेन वन वन के टेन कार्ड्स हो गए तो हमने चेंज कर लिया किससे टेन के एक कार्ड से ठीक है देन कम सेवन मोर रेड्स आई देन हैव इन माय पॉकेट तो इस तरीके से देखो अब सेवन और हो गए तो कितने हो गए टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन तो इस तरीके से सेवनटीन रेड्स हो गए उसके बाद अब नेक्स्ट है विच कार्ड विच कार्ड विल He have in his pocket if he has counted up to आप देखो इस तरीके से ट्वेंटी थ्री आए तो ट्वेंटी थ्री को कैसे करेंगे ट्वेंटी के टेन टेन के टू कार्ड हो गए और थ्री अलग हो गए वन वन के थ्री कार्ड ऐसे फोर्टी सेवन होगा तो फोर कार्ड आप किस चीज़ के बनाएंगे इस तरीके से आप फोर कार्ड टेन टेन के बनाएंगे ठीक है फोर्टी प्लस सेवन सेवन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरीके से वन वन के सेवन कार्ड बनाएंगे ऐसे ही फिफ्टी फाइव में फाइव बार टेन के बनाएंगे और फाइव कार्ड वन वन के बनाएंगे थ्री कार्ड वन के बनाएंगे ऐसे सेवनटी टू में सेवन कार्ड आप टेन टेन के बनाएंगे और टू कार्ड वन वन के बनाएंगे एट्टी में एट्टी में क्या है देखो आप वंस की जगह पे क्या है जीरो है तो एट कार्ड यानी कि आप टेन टेन के एट कार्ड बनाएंगे और वंस के कोई भी कार्ड नहीं बनाएंगे ठीक है इस तरीके से सो आई होप आप लोगों को वंस टेंस के बारे में पता लगा होगा ठीक है मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ यानी कि जब हमारे पास टेन टेन किसी वन वन के टेन हमारे पास कोई कॉइन्स आ गए या कुछ आ गया तो हमारा क्या हो जाता है वो टेंस में चेंज हो जाता है ठीक है जैसे इसने चेंज किया फ्लूट मैन ने ना कि वन वन के कार्ड जब उसके बाद टेन हो गए तो उसने टेन वाले कार्ड से चेंज कर लिया ठीक है इस तरीके से ऐसे जब आपके टेन टेन -10 के हंड्रेड कार्ड हो सॉरी टेन कार्ड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा नाइन्टी नाइन वो हो जाएंगे तो उसके बाद आपका क्या बन जाता है हंड्रेड यानी कि टेंस हंड्रेड में आ जाता है ठीक है तो हंड्रेड को हम बाद में पढ़ेंगे अभी आप लोग वंस टेंस करिएगा ठीक है थैंक यू